विशेषता से, विशेष तरह से, इस तरह से आप भी बनाइए अपने घर में। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं भटूरे। इसके लिए हम ये 1 kg मैदा ले रहे हैं और 100 g दही लिए हुए हैं। और आपको जो है कि अभी दिखाते हैं इसमें और क्या क्या लगेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए, इसमें हम 1/2 चम्मच जो है कि स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच बस, 3 चम्मच हो गया। जो भी नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दे दें, देना जरूरी होता है। इसमें 2 चम्मच डाल दिए हैं चीनी और इसमें दही डालेंगे। दही डालने से क्या होगा कि मेरे भटूरे में वो ऑयलीपन नहीं रहेगा भटूरे में। इसमें 100 g हम दही लिए हुए हैं जो आपको दिखाए थे वीडियो में। अब इसको सारा डाल के मिक्स करेंगे, फिर आपको जो है भटूरे बना के दिखाएंगे सुबह में। अभी हम नाइट है, इसको हम जो है खमीर बनने के लिए दे देंगे रात भर, फिर सुबह में भटूरे बनाएंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आपको हम भूल गए थे बताने के लिए, इसमें एक बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा लगेगा, 1/4 जो है 1 चम्मच लगेगा इसमें। फिर डालते हैं, अभी दिखाते हैं। देखिए 1/4 तो है, 1/4 से भी कम है, ज़्यादा नहीं देना है। इसमें पानी दे के मिक्स करेंगे। अभी इसमें पानी डाले हुए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिस तरह से हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह से इसमें मिक्स करके रात भर जो है कि ढक के इसको रख देंगे, कोई सूती कपड़े से नहीं तो कोई बर्तन से ढक देना है। देखिए इस तरह से जो है मैदा का डो बना लेना है, इस तरह से बना लेना है। अब इसको हम जो है ढक देंगे कोई बर्तन से रात भर के लिए। थोड़ा सा ऑयल भी लगाना है इसमें, ऑयल लगाने से क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं बर्तन में। देखिए इस तरह से इसमें तेल लगा दिए हैं, चारों साइड लगाना है जिससे कि चिपकेगा नहीं बर्तन में। ठीक है, इसको बर्तन से ढक दे। देखिए बर्तन से इसको ढक दिए हैं इस तरह से। देखिए ये सुबह का टाइम है और देखिए मेरा जो कि आटा पूरा सेट हो गया है भटूरे बनाने के लिए। देखिए आपको एक भटूरा बना के दिखाएंगे कैसे फूलता है भटूरा मेरा। देखिए इस तरह से गोला को इसे एक तेल लगा दिए हैं थाली के ऊपर में। अब इसको जो है हम चारों साइड इस तरह फैलाएंगे, तब फिर हम इसको कढ़ाई में तेल में डालेंगे। इस तरह से तेल पूरा हीट होना चाहिए, इस तरह से इसको फिर पलट देते हैं। देखिए भटूरा मेरा जो है खुल गया है इस तरह से। आप भी बनाइए अपने घर में।